सभी बैठी हूँ यहाँ पर और सभी लोग जग रहे हैं, अभी कोई नहीं सोए। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये हमसे फ़ोन चला रहा और कान्हा जी के आने का इंतज़ार है। अभी 11 बजे हैं तो अभी तो 1 घंटा बाकी है। कान्हा जी हमने नवा दिए और पूजा भी हो गई है और हमने ये फल मंगाए थे 5 और फूल इनमें छिपा दिए हैं, तो रात के जब 12 बजेंगे तो कान्हा जी का जन्म होगा, तो तभी कान्हा जी का जन्म होगा यहाँ से। और काम सब हो गया मेरा। गाइस आज है कृष्णाष्टमी, तो देखिए हम भगवान जी के भोग की सामग्री तैयार कर रहे हैं। ये बना पनीर कटा हुआ रखा है और ये मटर और मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेती हूँ, पनीर तो बाद में ही पड़ेगा। और ये हमने बनाई है सेवइयाँ, तो सेवई भी हमारी बन गई हैं। और आटा लगा हुआ रखा है तो जल्दी से अपना कर लेते हैं। भगवान जी का भोग तो 12 बजे के बाद ही लगेगा, 12 बजे पर। और ये है गरी का बुरादा, ये हमने कद्दूकस करके रख लिया था कि वो बार बार करो तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ये सारा ही बना के रख लिया। और इधर मेरा काम भी सब हो गया, बर्तन साफ हो गए और बहुत काम हो जाता है सुबह से। भगवान जी का पूजा करो और फिर उनका भोग लगाओ, तो सुबह तो मैंने उनके भोग के लिए मिश्री और दही से लगा दिया था, और वो भी वीडियो बनी है तो मैं आपको दिखाएंगे और ज़रूर ऐड करेंगे इसी में। और ये शाम का खाना बन रहा है, तो अभी मैं रसोई में हूँ और मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मैं नाइटी ही डाले हैं क्योंकि गर्मी लगती है, इस वजह से मैंने साड़ी सुबह बांधी थी फिर निकाल दी, और अभी शाम हो रही है तो अभी तो मैंने नाइटी डाल ली है। देखिए मैं आपको अपने को दिखाती हूँ कि गाइस ये नाइटी डाली है हमने, ये नाइटी अभी हम गए थे रक्षाबंधन पर घर पर, तो मम्मी ने ली थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई इसको, और अच्छी लगती है। और देखिए कैसे पसीना आ रहा है, गर्मी है ना, इस रसोई में गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो साड़ी बांधो तो दिक्कत हो जाती है, तो मैंने साड़ी तो निकाल दी और मैं नाइटी में आ गई, क्योंकि नाइटी में आराम मिलता है, एकदम शरीर फिनिश रहता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो इसीलिए नाइटी डाल लेती हूँ। और काम तो सब हो गया, आटा भी लगा लिया है, और खाने वाले अभी कोई है नहीं, बच्चे बाहर घूमने के लिए गए हैं, वो आ जाएंगे तभी बनाएंगे, और हम तो अपना पूजा का जो भोग लगाएंगे वो निकाल के रख लेंगे और ये सब लोगों को खाने के लिए दे देंगे। तो चलिए गाइस मैं बना लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि गर्मी भी है और यहाँ मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, वो तो आपको पता है, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मेरे पास स्टैंड नहीं है। मेरे पास स्टैंड हो तो मैं आप लोगों से बातें भी करती जाऊँ और अपना काम भी करती जाऊँ, तो स्टैंड नहीं है इस वजह से मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, तो माफ़ करना। और गाइस आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन हमारी वीडियो पर न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिले, और आप लोग मेरी थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आप लोगों की सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी बाल्टी पर भाई बहन हैं सपोर्ट की तो सभी को ज़रूरत है। अभी मेरी तबीयत बहुत दिन तक ख़राब रही तो मैं किसी की वीडियो पर नहीं आ पाई, तो बहुत सारे फ्रेंड हैं तो वो हमारी वीडियो पर नहीं आते हैं और आ नहीं पाती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब रही तो सर में दर्द होने लगता है ज़्यादा मोबाइल चलाओ, तो इसलिए मैं आ नहीं पाती हूँ, तो भाई बहन नहीं आते हैं तो क्या करूँ, मैं भी नहीं जा पाती हूँ, तो उन लोगों से कोई शिकवा गिला या कुछ भी नहीं है, सब सही है, क्योंकि वो भी हमारे फ्रेंड हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं जाया करूँगी, तब आ जाओ करेंगे। तो चलिए गाइस मैं बना लेती हूँ खाना, देखिए गर्मी है, पसीना आ रहा है बहुत तेज, फिर थोड़ी देर में मिलेंगे। देखिए सब्जी हमारी
बन गई है पनीर की रेसिपी। देखिए पनीर की अब इसे बंद कर देती हूँ कि गाइस इधर हमारी जन्माष्टमी पूजन की चल रही है तैयारी। ये हमने बाल भोग प्रसाद बनाया है, ये थोड़ा सा ही इसे हमने कान्हा जी 5 फल और फूलन में डुकाए हैं, तो ये 12 बजे निकालेंगे। तो वे फल हम इसी में काट के प्रसाद में मिला देंगे। और कान्हा जी के भोग के लिए ये हमने मक्खन निकाली है, तो ये मक्खन रखी है, तो ये मैंने पानी में रख दी है कि ठंडी बनी रहेगी। और इसमें आलू बॉईल हो रहे हैं, कचौड़ी बनाएंगे। ये हम चीनी इसमें मिला देते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है। आपको जैसा मीठा पसंद है वैसा प्रसाद बनाओ, मुझे तो ज़्यादा मीठा पसंद है। थोड़ी और इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं जो गरी का हमने जो बुरादा किया था कद्दूकस, थोड़ा इसको डाल देते हैं और इसको मिला देते हैं इस तरीके से। और जब हम कान्हा जी को निकालेंगे फलन में से तो फल इसी में ऐड कर देंगे। तो अब सिर्फ इसलिए बॉक्स में मैंने रख दिया है और इसको लगा के रख देती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारा कचौड़ी का बनाया और ये रोल बना के रख लिए हैं। ये ऐसे आलू भर के मैंने करके रख लिया है। इधर मैंने किए हैं आलू फ्राई और हमारा ऑयल गरम हो चुका है। और इधर किया है हमने रायता, तो सब सामान रेडी है, बस अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और गाइस चलिए बनाते हैं। तो गाइस देखिए हमने पहले बनाई है ये कचौड़ियाँ और कुछ ये सेकते हैं। और गाइस चलिए आप लोग भी खा लीजिए और मैं भगवान जी के भोग के लिए निकाल के रख लेती हूँ। कुछ मीठी पूड़ियाँ बनाएंगे और सब सामान रख लेंगे, फिर इन लोगों को खाने के लिए दे देंगे। गाइस अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर और सभी लोग जग रहे हैं, अभी कोई नहीं सोए। ये मेरे दोस्त बैठे हैं, ये हमसे फ़ोन चला रहा और कान्हा जी के आने का इंतज़ार है। अभी 11 बजे हैं तो अभी तो 1 घंटा बाकी है, चलते हैं और टाइम पास करते हैं, तब तक समय आ जाएगा फिर मिलेंगे। गाइस तब से हम अभिषेक और मेरे दोस्त को बनाया कान्हा जी। ए अभिषेक, अभिषेक के चेहरा पे अभी है दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर निर्दोष को भी बनाया था दिखाई नहीं दे रहा है, इस शाम है ना लाइट की वजह से, हम लाइट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इन लोगों को शर्म लगती, तो एक आध फोटो शूट करें तो फोटो डाल देंगे, तो आप लोग फोटो में देखना। और अभी 12 बजने में 1 घंटा बाकी है, तब तक एंजॉय करते हैं और कान्हा जी का इंतज़ार करते हैं आने के लिए। हैप्पी बर्थडे।
जी गाइस, कान्हा जी का पूजन हो गया है और भोग लगा दिया, हम सब लोगों ने खाना भी खा लिया और लेट गए हैं सभी लोग। ये देखिए निर्दोष अभिषेक और मैं भी अब जा रही हूँ लेटने के लिए। ऐसा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना दोस्तों। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।